गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 11, द बॉय हु लव म्यूजिक पार्ट 3. संडे सर्विस, सॉरी प्रीवियस, इन प्रीवियस चैप्टर द बॉय लव टू म्यूजिक टू आई हैव टोल्ड यू एंड नाउ आई हैव टोल्ड यू द बॉय हु लव म्यूजिक चैप्टर 3. Sunday service was over. As the Duke and his attendants rose to leave the chapel, the soft notes of the organ came through the quiet air. Sunday over हो गया था. Duke और उसका जो attendant था वो rose chapel वो छोड़कर आए और जो soft notes जो है piano का जो soft notes होता है वो जो हवा में खूब सुंदर आवाज से वो गुनगुनाता है. Our masters of the organ plays nobly today. आवर जो मास्टर, उसका जो मास्टर था वो जो ऑर्गन बजाता था वो बहुत ही ब्यूटीफुल बजाया उस दिन. सेड द ड्यूक एज स्टॉप टू लिसन. वो ऑर्गन सुनने के बाद ये ड्यूक ये कमेंट किया कि उसका जो मास्टर है वो ऑर्गन बहुत अच्छा बजाता है. देन ही कॉट साइट ऑफ द प्लेयर्स सीटेड एट द ऑर्गन एंड एक्सक्लेम्ड, अपन माई वर्ड, दिस इज ए चाइल्ड हु प्लेज सो स्वीटली. हु मे दिस यंगर मास्टर बी. उसके बाद वो ये बोला कि मेरा और एक बात है, एक चाइल्ड, एक छोटा बच्चा बहुत स्वीट ये जो पियानो है और ऑर्गन है वो बजाता है, पर वो जो यंगर मास्टर है वो कौन है. योर हाइनेस, ही इज द सन ऑफ गुड डॉक्टर हैंडल, answered the attendant. I have heard it said that he is a lad of great promises at the organ. Then वो जो chapel का attendant था वो बोला वो जो good doctor Handel है उसका son है और उन्होंने बोला उन्होंने सुना था बहुत ही great organ वो बजाता है. There can be no doubt of that. उसमें कोई संदेह नहीं है, declared the duke ने बोला. See that the boy and his father come to my room this afternoon. तो वो बच्चे को हम लोग वो बच्चे को देखने के लिए उसका जो फादर है मेरे रूम पे आया था टुडे आफ्टरनून. एंड द ड्यूक एंड हिज अटेंडेंट्स वर्क स्लोली आउट ऑफ द चैपल. और ड्यूक और उसका अटेंडेंट जो है वो स्लोली वर्क करके चैपल के घर से आउट हो गया, बाहर हो गया. द आफ्टरनून द डॉक्टर एंड हिज सन वेयर शोन इन टू द ड्यूक्स रूम. आफ्टरनून में क्या हुआ, डॉक्टर हैंडल और उसका जो सन था जो बहुत अच्छा ऑर्गन बजाते थे वो ड्यूक के रूम में आया. At once the doctor cried out, "Your Highness, please forgive the boy's rashness. He is but a child and knew not what he was about. I have scolded him soundly for daring to play the organ before you." तो तब वो अटेंडेंट ने चिल्ला कर कहा कि what is the meaning of rashness? This is very important. Rash, careless, foolish or thoughtless. तो उन्होंने बोला ये प्लीज फॉरगिव द बॉयज रेसनेस, ये बच्चा का जो क्या बोलूँ फॉरगिवनेस था और केयरलेसनेस था और फुलिसनेस था, जो थॉटलेस उसका भावना था वो भूलने के लिए कहा. ही इज बट ए चाइल्ड एंड न्यू नॉट व्हाट ही वाज अबाउट. वो बहुत ही बच्चा है, वो नहीं जानता है वो क्या है, उसका अंदर क्या है. I have scolded him soundly, पर मैंने उसको समझा for daring to play the organ before you. वो इतना अच्छा organ बजाया आपके आगे. The Duke laughed heartily and said, Duke बहुत अंदर से हंसा और बोला, then my dear doctor, shall I have to scold you for scolding the boy? Never has the organ of my chapel been played so sweetly. Dr. Handel, I have so asked favor of you. उन्होंने डॉक्टर हैंडल को बोला कि नेवर द ऑर्गन ऑफ माई चैपल बिन प्लेड सो स्वीटली, इसके आगे मैं इतना स्वीटली बजाते हुए किसी को नहीं सुना. डॉक्टर हैंडल, आई हैव टू आस्क फेवर ऑफ यू, हमें ये पूछने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो टुडे अप टू दिस, नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस द नेक्स्ट लाइन. थैंक यू.